जनता को जगा दें, आधी आबादी की नुमाइंदगी कर। इस मजलिस की रोशनी असल में वही है, साहब रेहान साहब, अय्यूब भाई, और उसके बाद गुलपोशी से इस्तकबाल नहीं कर पा रहे, वो तालियों से इस्तकबाल कर सकते हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं, उनका इस्तकबाल तालियों से ही तस्लीम कर लिया जाएगा। करने के लिए और न जाने कितने वालदैन ने दुआएं की होंगी कि उनके बच्चे इस मकाम तक पहुंचे। ये इलाके की तमाम नामचीन और बड़ी हस्तियां इस बच्चे का इस्तकबाल कर रही हैं। वॉइस 24 चैनल के चीफ एडिटर यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस्तकबाल करना चाहते हैं शहदर का, सैम खान। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आए और इस्तकबाल करें। सैम खान तशरीफ रखते हैं, वॉइस 24 के चीफ एडिटर सैम खान। वॉइस 24 चैनल है, उससे तशरीफ लाए हैं। वॉइस 24 चैनल के चीफ एडिटर यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस्तकबाल करना चाहते हैं शहदर का, सैम खान। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आए और इस्तकबाल करें। सैम खान तशरीफ रखते हैं। आज के सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण और जिनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा हुआ है, इस मावाला कोर्ट में पूरे मेरठ ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने हमारे इस मेरठ का नाम रोशन किया है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने हमारे तिरंगे को फहराया है, ऐसे भाई सैजर रिजवी का मैं हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज के कार्यक्रम में इस क्षेत्र के यशस्वी और कर्मठ विधायक भाई दिनेश खटीक जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, जो हमारे खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर आ रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जाए और उनके खेलने की हर सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों को हमारी को दे दी जाए, क्योंकि गांवों में भी ये छोटी छोटी जो बच्चे हैं उनमें भी जोश है। आप देखकर अपने जो बड़े भाई को देखकर उनमें भी जोश है, तो इसलिए ग्रामीण अंचल में हर सुविधा बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मेरे बुजुर्ग और मेरे युवा साथी, मैं सब सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अपना अमूल्य समय देकर मेरे इस प्रोग्राम में आए और मेरे लिए सम्मानित समारोह रखा गया। और मैं ये अपना पदक अपने देश, अपने क्षेत्रवासी और अपने युवा साथियों के साथ साझा करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मंथ मई में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड कप जो साउथ कोरिया में है, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि नया रिकॉर्ड के साथ गोल्ड लेकर आऊँ अपने देश के लिए और फिर से दोबारा से अपना तिरंगा लहराऊं विदेश में। और उसके बाद यूएसए में एक तीसरा मेरा वर्ल्ड कप है, मैं चाहूँगा कि वहाँ गोल्ड लेने के बाद वर्ल्ड नंबर वन बनूँ और 2020 में अपने देश के लिए ओलंपिक का गोल्ड लेकर आऊँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बधाई देता हूँ वॉइस 24 को कि आज मावना खुर्दी नहीं
पूरे देश में नाम रोशन करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे क्षेत्र का नाम पहुंचाने वाले 22,000 ईस्वी के सम्मान समारोह में आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं और आपके माध्यम से ये खुशी, ये उत्साह पूरे देश तक पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं जानना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस गौरवान्वित व्यक्ति के लिए क्या योजना? उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं कि जो भी खिलाड़ी प्रदेश का नाम रोशन करता है उन्हें पुरस्कृत किया जाए। ये सरकार की योजनाएं चल भी रही हैं, आप देख भी रहे होंगे कि सरकार के माध्यम से जो खिलाड़ी इस तरह से अपना नाम रोशन कर रहे हैं उन्हें सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। और अभी जो भाई ने, हमारे नए सहजर रिजवी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, हम लोग माननीय विधायक जी और हम दोनों लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उन्हें पुरस्कृत किया जाए, ऐसा प्रयास हम लोगों का रहेगा। जी, आप सहजर रिजवी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी प्रतिभाएं हम लोगों का सम्मान है और इस क्षेत्र बड़ा उपजाऊ है, ऐसे युवा प्रतिभाओं के माध्यम से ही अनेक प्रतिभा इस क्षेत्र से निकलेगी, हमारी शुभकामनाएं।